हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येन त्रिपाठी। दोस्तों आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी पीएचडी करना चाहते हैं। दोस्तों ये एक पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 27 सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल, और टोटल सीट्स की बात करें तो 175 सीट्स जो हैं टोटल अवेलेबल हैं। अब इसमें आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है देख लेना। दोस्तों एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर यदि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 24/8/2022 है की रात 11:50 तक, ठीक है। दोस्तों आगे इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि दोस्तों अभी रिसेंट में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिनके लास्ट डेट अभी भी अवेलेबल है पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो दोस्तों उन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यदि आप उन यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी एडमिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो चाहे तो हमारे चैनल के पेज या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, या कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है उन सारे वीडियोज़ के लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि ईजिली आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकें। तो दोस्तों बिना डिले के हुए जो है हम लोग देखते हैं आज इस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। जैसा कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, ये दिया हुआ है पीएचडी एडमिशन 2022-23 के लिए, ये प्रोग्राम वाइज सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों इसमें यदि देखें हम लोग तो ये टेबल में जो है सबसे पहले दिया हुआ है नेम ऑफ द प्रोग्राम, देन उसके बाद टोटल इनटेक, उसके बाद कैटेगरी का नाम दिया हुआ है जैसे अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो इसमें केवल मैं सब्जेक्ट का नाम बोलता जाऊंगा, बाकी आप टोटल सीट, टोटल इंटेक जो दिया हुआ है मतलब टोटल सीट्स इसमें जो है उस सब्जेक्ट में कितनी है और आपके कैटेगरी में सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है यहाँ पे, तो दोस्तों ये आप देखते जाएं। तो केवल सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके काम का ये वीडियो है या फिर नहीं है, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर पर दिया है पीएचडी आर्किटेक्चर, देन उसके बाद एटमॉस्फेरिक साइंस, देन बायो केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद जो है 8 नंबर पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन 9 नंबर पे दिया है कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़, उसके बाद जो है इंग्लिश, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन 12 नंबर पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद जो है एनवायरमेंटल साइंस, देन उसके बाद जो 15 नंबर पे हिंदी, उसके बाद लिंग्विस्टिक्स, देन मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, उसके बाद जो है माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद फार्मेसी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद जो है पब्लिक पॉलिटी, लॉ एंड गवर्नेंस, देन सोशल वर्क, उसके बाद जो स्पोर्ट्स, बायो साइंसेस, और उसके बाद जो है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, सॉरी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नॉट फिजियोलॉजी, ठीक है। 25 नंबर पे दिया है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, 26 पे जो है स्टेटिस्टिक, और उसके बाद जो 27 नंबर पे दिया है पीएचडी योगा, ठीक है। इस तरह से टोटल सीट्स की बात करें टोटल इंटेक की तो 175 जो है सीट है, और बाकी आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है टोटल सीट्स यहाँ पे नीचे देख सकते हैं और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप देख लें। अब देख लेते हैं दोस्तों हम लोग यूनिवर्सिटी का नाम जो है आखिर क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि राजस्थान में है। दोस्तों अब हम लोग आगे जो है नेक्स्ट डिटेल की बात करेंगे। फ्रेंड्स अब आगे देख लेते हैं इसमें जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर से पढ़ लेना, फॉर्म फिलअप करने से पहले ज़रूर से एक बार पढ़ लें इसको जो है। दोस्तों जैसा कि फर्स्ट नंबर पे इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे इसमें से यदि कोई सा भी एग्ज़ाम कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया हुआ है जैसे नेट या जेआरएफ ऑफ यूजीसी और सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीआर, गेट, जीपैट एंड डीबीटी जेआरएफ एट्सेट्रा, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, टीचिंग फेलोशिप होल्डर्स एंड टीचर ऑफ सीयूआरएजे कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस पीएचडी प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूजिंग लिंक, ठीक है। इस लिंक को यूज करके जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है CURAJ, ठीक है, -erp.in, ठीक है। दोस्तों जैसा कि ये लिंक यहाँ पे दी हुई है, इस लिंक को जो है लिंक पे आप क्लिक करके जा करके जैसा कि दिया हुआ है इस मतलब इस लिंक के थ्रू आप जो है आप फिलअप कर सकते हो। यदि आपके पास जो है ये इनमें से जैसे कोई भी एग्जामिनेशन आपके पास है, आपने क्वालिफाई किया हुआ है जैसा दिया हुआ है। अब आगे बात की गई है सेकेंड नंबर पर, जैसा देख सकते हैं आपके पास जो एक वैलिड मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार आईडी, ये सब होना चाहिए। और इसमें थर्ड नंबर भी दिया जैसा कि ये नॉन रिफंडेबल फ़ी की बात की गई, 1000 रुपीज़ जो है पर डिपार्टमेंट ये फ़ी रखी गई है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड टैक्सेस एज एप्लीकेबल, ठीक है।
दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हमारे अकॉर्डिंग जो लगी उनको मैंने केवल हाईलाइट किया हुआ है, बाकी आप खुद से जो है ये सारे इन्फॉर्मेशंस को जो है ज़रूर से पढ़ लें फॉर्म फिलअप करने से पहले, सारे इंस्ट्रक्शंस को जो है तभी आप फॉर्म को फिलअप करें। जैसा फिफ्थ नंबर पे दिया है, कैंडिडेट्स नीड टू अपलोड द रीडेबल सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कैंडिडेट को जो है रीडेबल जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी नीड है उसकी कॉपी जो सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना होगा। ठीक है, इसके बाद आगे यदि देखें हम लोग तो जैसा कि ये एट नंबर पे जैसा दिया हुआ है, प्लीज़ कीप लुकिंग द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स। ठीक है दोस्तों, यदि इस फॉर्म को आप फिलअप करते हो तो आप रेगुलर जो है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से रेगुलरली आप अपडेट रहें, अपडेट जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी पीएचडी से रिलेटेड तो दोस्तों आपको मिलते रहेंगे, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के टच में हमेशा रहें। आगे फिर बात करिए 11 नंबर पे, जैसा देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये जो लिस्ट रहेंगी एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की वो जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिस्प्ले की जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों ये 15 नंबर पे देख सकते हैं, जैसा कि ये यहाँ पे बात की गई है कि जो भी इंटरव्यू शेड्यूल होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के उसको जो है नोटिफाई किया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दोस्तों एक बार आपको बता देते हैं, जैसा दिया है www.curaj.ac.in, एक बार फिर से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बताते हैं www.curaj.ac.in। तो दोस्तों यहाँ से जा कर के जो है आप जो भी इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात की गई जैसे इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा वो केवल जो है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा जैसा कि इसमें दिया हुआ है। 17 नंबर पे देख सकते हैं, द इंटरव्यू और वाइवा वो से विल बी ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, ये 50 मार्क्स का जो है इंटरव्यू या फिर वाइवा वो से जो भी हो वो होगा, और इसमें जो है प्रेजेंटेशन जो है आपका 20 मार्क्स एंड सब्जेक्ट कम रिसर्च कॉम्पिटेंस की यदि बात करें तो ये 30 मार्क्स, ऐसे जो है ओवरऑल 50 मार्क्स का ये रहेगा। दोस्तों इस तरह से जो है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और दिए हुए हैं उनको एक बार आप देख लेना। अब आगे हम लोग बात करते हैं और जो अदर इन्फॉर्मेशन हैं, अब दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं दोस्तों कि आप यदि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नेट या फिर सेट या स्लेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं जो कि आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के पेज या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, या कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है उन सारे वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कर दें जिससे कि इजीली आप उन सारे वीडियोस को देख सकेंगे। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ये नेम ऑफ प्रोग्राम दिया हुआ है, उसके सामने जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे जो है ये आर्किटेक्चर की बात की गई है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक साइंस, ठीक है, देन बायोकेमिस्ट्री, ऐसे करके दोस्तों ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात की गई है, आप जो है यहाँ पे इसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ज़रूर से देख लें कि क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे जो है इसमें जो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उनको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों इसमें आगे जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है ये एरिया ऑफ रिसर्च फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। ठीक है, ये डिफरेंट पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एरिया ऑफ रिसर्च जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे सीरियल नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके दिया है आप देख सकते हैं। आगे फिर दिया नेम ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम और उसके आगे दिया हुआ है एरिया ऑफ रिसर्च। तो दोस्तों यहाँ पे आप पीएचडी प्रोग्राम देख लें, आपकी जो भी सब्जेक्ट में आपको करना है उसके सामने आप एरिया ऑफ रिसर्च जो है देख सकते हैं। दोस्तों आगे अदर और सब्जेक्ट्स के बारे में जो है देखने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि अभी हम लोग चल के देखेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कि कहाँ से जो है जा कर के ये सारे जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पीएचडी से रिलेटेड आप कहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे ये पूरा नोटिफिकेशन जो है आप कहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे कि नेम ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो जैसे सबसे पहले आर्किटेक्चर दिया, फिर एटमॉस्फेरिक साइंस, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, उनके सामने दोस्तों सब्जेक्ट के सामने आप एरिया ऑफ रिसर्च देख सकते हैं। ऐसी जो है अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जैसा देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है, वैसे अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स का दोस्तों ये नाम दिया हुआ है पीएचडी प्रोग्राम का, उसके सामने जो है एरिया ऑफ रिसर्च दिया हुआ है, तो आप जा करके इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स का जो है आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों इस तरह से जो है आप सारे सब्जेक्ट्स को जाकर के देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और देखते हैं कि कहाँ से ये सारे इन्फॉर्मेशन आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। इसकी वेबसाइट जैसा कि पहले भी मैंने बताया, अभी एक बार आप देख सकते हैं curag.ac.in। ठीक है, तो दोस्तों इसकी वेबसाइट पे जाकर के आप जब नीचे जाएंगे तो इसमें आप नीचे जाकर के देख सकते हैं, इसमें जैसे एडमिशन्स दिया हुआ है दोस्तों, ये एडमिशन में जो है आप यहाँ पर रीड मोर जो नीचे दिया हुआ है इस पर क्लिक करके और जो डिटेल्स इसमें दी हुई हैं जाकर के देख सकते हैं। जैसा दिया है दोस्तों यहाँ पे पीएचडी एडमिशन 2022-23, इसमें जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, उसके बाद एरिया ऑफ रिसर्च, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद सीट मैट्रिक्स। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं इनको जो है आप बारी बारी जा करके देख सकते हैं। जैसा कि जनरल इंस्ट्रक्शन की बात हम लोग स्टार्टिंग में इसको भी किए थे, ठीक है, और सीट मैट्रिक्स सब्जेक्ट के कितनी कितनी सीट्स किस में हैं, तो ये सारी बातें हम लोग किए थे। दोस्तों आप खुद से भी जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा करके ये सारे इन्फॉर्मेशन खुद से डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, समझ लें, सेटिस्फाई हो लें, तभी जो है इस फॉर्म का आप अप्लाई करें, अदरवाइज न करें। ठीक है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है सारी इन्फॉर्मेशन जो है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो जो है यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, इस तरह के अपडेट से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो चाहें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इतना पेशेंस के साथ जो है आज का वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।